जो हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा फेस पैक जो कि आपकी ओपन पोर्स, लार्ज पोर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं, स्पेशली समर्स में तो बहुत ही ज़्यादा विजिबल होते हैं, क्योंकि हमें पसीना बहुत आता है, स्वेटिंग होती है, उसकी वजह से हमारे जो पोर्स हैं वो और भी ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं। तो अगर आप इस फेस पैक का यूज़ करेंगे तो आपके पोर्स श्रिंक होंगे, लाइट होंगे, बिल्कुल भी दिखेंगे नहीं, और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। है डे 5 और आज हम वर्क करने वाले हैं अपने डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ चल रही है जो कि 7 डेज चलेगी, तो आज हमारा 5th डे और आज हम करने वाले हैं अपने ओपन पोर्स पे वर्क करेंगे। साथ ही साथ हम अपने फेस पे ग्लो भी मेंटेन करेंगे, अपने स्पॉट्स को भी रिमूव करेंगे। तो आज जो मैं बताने वाली हूँ फेस पैक, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और बहुत ही ईजी है। ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही टिपिकल नहीं हैं, जो कि अवेलेबल नहीं होते हैं या आपको इजीली मिलते नहीं हैं। अगर आप चाहें तो आपके आसपास भी बहुत ही इजीली ये अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल कर रहे होंगे और मेरी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस फेस पैक को बनाने के लिए जो पहला इंग्रेडिएंट हम यूज़ करने वाले हैं वो है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर अक्सर हम बालों पर यूज़ करते हैं, पर क्या आपने कभी इसे स्किन पे लगाया है? अगर नहीं लगाया है तो लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है हमारी स्किन पे भी। जैसे कि ये हमारे बालों को मजबूत करता है, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, वैसे ही ये हमारी स्किन के प्रॉब्लम्स को भी दूर कर सकता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है और ये हमारे स्किन प्रॉब्लम्स को बहुत ही जल्दी ठीक कर सकता है। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर ले रही हूँ। उसके बाद जो हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो और भी ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली गर्मियों के लिए। मतलब एक रामबाण इलाज जिसको हम कहते हैं ना हर एक चीज़ के लिए, वो है मुल्तानी मिट्टी। हर चीज़ के लिए हम मुल्तानी मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो हमारे बॉडी के लिए हो, फेस के लिए हो, बालों के लिए हो। तो ये एक जो है सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट है, और समर्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आपके सारे प्रॉब्लम्स का जो सल्यूशन है वो मुल्तानी मिट्टी है। तो आपको 1 चम्मच के बराबर ही मुल्तानी मिट्टी ले लेनी है। अब हमें जो इसमें लिक्विड चाहिए वो या तो आप रोज़ वाटर यूज़ करिए, अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप सादा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जितना रिक्वायर्ड है उतना पानी यूज़ कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 चम्मच के बराबर रोज़ वाटर यूज़ किया है। रोज़ वाटर यूज़ करने के बाद आप उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए ताकि जब हम अप्लाई करें तो ना ही ज़्यादा ड्राई हो और ना ही ज़्यादा लिक्विडी हो। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। आपको ऐसे ही अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप अप्लाई करेंगे तो इसकी आप थिन लेयर नहीं लगाएंगे, आप इसकी थिक लेयर लगाएंगे, ताकि ये हमारी स्किन के अंदर तक जाए और हमारे स्किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। आपको इसे बहुत ही अच्छे से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। आपको इसे पूरा ड्राई नहीं करना है, आपको इसे सेमी ड्राई रखना है। जब ये हल्का सा वेट होगा और हल्का सा ड्राई होगा और आपकी स्किन थोड़ा सा खिंचने लगेगी, खिंची खिंची सी फील होगी, तो आपको ये फेस पैक रिमूव कर देना है। सिंपल पानी से आप इसे फेस वॉश कर सकते हैं, अपना मुंह धुल लीजिए। उसके बाद आप मॉइस्चराइज करेंगे अपने स्किन को। फर्स्ट यूज़ में ही मैं आपको बता रही हूँ, आपको बहुत ही अच्छा सा ग्लो दिखेगा, आपका चेहरा एकदम से ब्राइटन अप हो जाएगा और आपकी स्किन प्रॉब्लम्स
सॉल्व हो जाएगी अगर आप इस पैक को यूज़ करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, नमस्ते, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपने मेरी सीरीज़ को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और उसे फॉलो करिए और अपनी स्किन प्रॉब्लम्स को हील करिए, जल्दी से जल्दी ठीक करिए।